में जलकर 38 लोगों की बुरी तरह से मौत हो गई और ये हादसा उन गांव के लोगों के लिए बहुत ही निराशादायक था। इस हादसे की जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। इस हादसे में पर्यावरण मंत्री राजरत्नम का हाथ होने के शक के कारण लोगों ने दंगा फसाद किए और इस मुद्दे में जांच पड़ताल करने से पहले विपक्ष ने इनको पद से हटाने की मांग की है। कुछ ही महीनों पहले पर्यावरण मंत्री राजरत्नम ने यहां पर अस्पताल बनवाने की शुरुआत की थी और अब ये बात चर्चे का मुद्दा बन चुका है। हमें देखना है कि आगे क्या होता है। जनता की मांग पूरी करते हुए सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं और अब इस बारे में हमारे पर्यावरण मंत्री राजरत्नम का क्या कहना है, आइए हम देखते हैं। आखिर कब तक नई नई इमारतें बनाना या पुरानी इमारतों को नया बनाना? जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको ऊपर लाना है। बैठ जाइए। इन लोगों का ठीक होना बहुत जरूरी है और इनके लिए नई जिंदगी की शुरुआत होनी भी बहुत जरूरी है। इसी लक्ष्य के साथ इस हॉस्पिटल की शुरुआत की जा रही है और हमारे साथ हैं हमारे प्रिय शेखर जी, जो इसके लिए सजग रूप से काम कर रहे हैं। तो मैं पुरानी इमारत को गिरा के नई इमारत खड़ी करने का आदेश देता हूँ। इन सब की बीमारियाँ दूर करनी है और इन्हें अच्छी जिंदगी देनी है, यही मेरा लक्ष्य है। इसका नाम ये आग देखकर ऐसे अजीब से बर्ताव करने लगता है। यहाँ का माहौल बहुत ही दुख भरा है। एक तरफ पुलिस और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगे हुए हैं और एक तरफ आदरणीय पर्यावरण मंत्री को पद से हटाने की मांग करते हुए लोग पुलिस से मुठभेड़ कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस पागलखाने की देखभाल करने वाले श्री मुरगेश नारायण जी हैं, तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। साहब, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हॉस्पिटल पागलों को ठीक करने के लिए बनाया गया था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ ऐसी हालत होगी, लेकिन सिर्फ एक आदमी की वजह से आज इस हॉस्पिटल की ये हालत हो गई है। और इसके पहले भी उस आदमी ने 2-3 बार इस तरह की कोशिश की थी और इस हादसे में वो भी मारा गया। उस आदमी की जो मानसिक हालत थी वही इस घटना का असली कारण है। मंत्री राजरत्न का और इस घटना का कोई ताल्लुक नहीं है, तो कृपया करके आप उनका नाम मत लीजिए, आप उनको इसमें मत घसीटिए, प्लीज। मंत्री राजरत्न पर लगे हुए आरोप की जांच करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है। अब इस बात पे चर्चा होगी कि उन्हें पद से हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। मौकाए वारदात से मैं कैमरामैन मंतोष के साथ करण। टीवी बंद करो। मीडिया और विपक्षी नहीं, अब तो पब्लिक भी अपने खिलाफ हो गई है। अब क्या करेंगे? इसमें सोचने की क्या बात है, उनको हर हालत में राजीनामा देना ही होगा। हाँ हाँ, राजीनामा देना होगा। हाँ, इन्हें राजीनामा देना होगा, जरूरी है, राजीनामा देना ही होगा। मैडम, जब वो बिल्डिंग गिरी थी उस केस में इन्हें सर ने ही बाहर निकाला था, शायद वो बात ये भूल गए हैं। भूल गए हैं? इन दोनों की आपस में तुलना मत करो। राजरत्न जी की वजह से 48 लोग मारे गए थे। बेवजह किसी पर इल्जाम मत लगाइए। आप साबित क्या करना चाहती हैं? ए, कौन कहानियां बना रहा है, जरा देना। ये देखो, तुम्हारे खुद के साहब ने लिखा है, ये मिनिस्टर के लेटर हेड पर पास हुआ है। साहब, गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल से 6 पेशेंट को ट्रांसफर करने का ऑर्डर। नन्हे मासूम बच्चे और मानसिक रोगियों को इस तरह से बेरहमी से जलाकर मार दिया। इस बात का पहले जवाब दो राजरत्नम, सच्चाई छुपती नहीं है। अभी भी तुम्हारे साहब सोशल मीडिया पर वही ट्रेंडिंग स्टार हैं, बहुत बड़े। जब गलती नहीं की है तो सफाई क्यों देंगे? बेकार में इल्जाम मत लगाइए, ठीक नहीं होगा। क्या कहा, गलत हो जाएगा? मुख्यमंत्री बैठे हैं इसलिए मैं चुप हूँ, वरना तुम्हें देख लेता मैं। सबको कहते रहते हैं हम परिवार की तरह है और आप स्कूल के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। एक मिनट। इसकी एक कॉपी जल्दी से प्रेस में भेज देना। हाँ, बोलो जानकी। सर, आपको रिजाइन कर देना चाहिए। जानकी, जैसा हम सोच रहे हैं यहाँ माहौल वैसा नहीं है। हाँ सर, मुझे पता है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मेरे हाथ लगा है, आप जल्दी घर आ जाइए। Are you sure? Yes, sir, I'm sure. अरे वो क्या?
क्या कर रहे हैं, जल्दी बुलाओ उनको, हम कब तक वेट करेंगे? वो फोन पर ही बातें करते रहेंगे, हम लोग कब तक वेट करेंगे? मैं राजीनामा दे रहा हूं। अच्छी तरह सोचकर फैसला लो राजरत्न, बाद में कई सवालों के जवाब देने होंगे तुम्हें। जवाब मेरे पास है सर, मैं जल्द से जल्द पूरे सबूत के साथ आपके सामने खड़ा रहूंगा। सबूत है तो राजीनामा क्यों दे रहे हो? जनता का जो मुझ पर भरोसा है, उस भरोसे की निशानी ये कुर्सी है सर, तो जनता को जवाब देकर मैं फिर से इसी कुर्सी पर आकर आपके सामने बैठूंगा। बाकी फॉर्मेलिटीज ये पूरी कर देंगे, मैं चलता हूं सर। हादसे में आपको दोषी ठहराया जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष के दबाव में आकर आपने राजीनामा दिया है क्या? इन सब सवालों के जवाब सीएम ने, अपनी गाड़ी के अलावा बाकी गाड़ियां वापस भेज दो। सर 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 एक सवाल सर। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे रे, इसमें डरने की क्या बात है? मेरी आधी जिंदगी तो राजनीतिक चुनाव और मीटिंग में ऐसे ही बीत गई है, और इन सब की वजह से मैं अपने परिवार को पूरा वक्त भी नहीं दे पाया। बट डू यू नो वन थिंग, आज मैं पहले से बहुत ज्यादा खुश हूं। लेकिन कल जो लोग आपकी तारीफ करते थे, आज आपके खिलाफ है। एक बात याद रखो, अपने आसपास मौजूद सभी बुरे नहीं होते हैं, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके हाथ में रोशनी है तो आप कितनी भी दूर आराम से जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई अपना नहीं है जी। अरे क्या कहा, कोई नहीं है, मैं हूँ ना। आ जाओ जानकी, आपके रोमांस में दखल देने के लिए वेरी वेरी सॉरी। आजकल बहुत बेकार की बातें कर रही हो। चलिए ठीक है, सर से कुछ जरूरी बात करनी है, आइए आइए ना। दीपक आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे, एक मिनट। हेलो दीपक। हेलो। हेलो सर। हाँ दीपक। सर मैं आपके मोबाइल पे एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसको एक बार पूरा देख लीजिए। ओके। लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत। ठीक है दीपक। दीपक, ये वीडियो जल्द से जल्द पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। यस सर, ये बहुत बड़ा क्राइम नेटवर्क है, ये सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया है सर। इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है सर, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस बारे में और क्या जानकारी है? सर जल्द ही उस ग्रुप की सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, मैं वहाँ जा रहा हूँ सर, उनके बीच में रहकर सारी सच्चाई पता लगाता हूँ सर। चाहे जो भी हो उनको पकड़वाना जरूरी है सर, अगर ये वीडियो बाहर गया तो वो लोग चौकन्ना हो जाएंगे सर। आपके पास जितने भी एविडेंस डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लॉकर्स में सेफ रखिएगा सर। ओके दीपक, यू बी केयरफुल। सुरेश सर, वो पेपर्स रेडी करने के लिए बोला था ना, वो कर दिए? हो गया है सर। ओके सर, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तुम यहाँ रह के इनकी हेल्प करना। नहीं रंजीत, चाबी मुझे दो। Thank you.
सुपर स्क्रिप्ट है सर, माइथोलॉजी सब्जेक्ट बिल्कुल बाहुबली जैसा, नहीं नहीं उससे भी बड़ा। कितना बजट है? जस्ट 200 करोड़ सर। सवेरे ही एक गोली खाई थी, अब एक और गोली खानी पड़ेगी। अरे यार, बजट सुनते ही से गोली खाने की जरूरत पड़ जाती है। देखिए, मुझे ये मुखर्जी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं चाहिए। बट सर, दैट्स मैथोलॉजी। ए, चुप रहना। वो आपका नाम है क्या? नहीं सर, आप ये स्क्रिप्ट पढ़ के तो देखिए। सर, इट्स अ स्काईफाई थ्रिलर सर, बिल्कुल रोबोट मूवी जैसा, जिसमें रोबोट्स डांस करेंगे, सांप जैसे रेंगेंगे। बस 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 बस, अब रहने दीजिए। सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट हम लोग कम ज्यादा कर लेंगे। लोकेशन भी यही है सर। सर, वहाँ जाकर कंपोज करेंगे, छह गाने एकदम भारी वाला बनाएंगे, धुम धुम तक तक धुम धुम तक तक। चुप रहे। इसे कहाँ से पकड़ लाए? म्यूजिक कॉलेज से। इसे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ाओ। देखो बेटी, मुझे ये रोबोट वोबोट नहीं चाहिए। भाई बहन का प्यार, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप। और फिर सुनिए सर, करेक्ट करने के लिए मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है सर। तुम पहले अपने बाल करेक्ट करो, फिर ये करेक्ट करेंगे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो फोन कट करने भी नहीं देता। मूंछ नीचे की तरफ घुमाओ तो अजय देवगन, और ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो रणवीर सिंह। नमस्ते सर, मैं हूं आपका सुपरस्टार श्रवण, टॉकिंग हाई। सर, आज की तारीख डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन से मैंने पिक्चर में काम करने का फैसला कर लिया है। आ रहा है स्टार, सबका बैंड बजाने। बॉडी बना रहा हूं सर, डांस भी करता हूं, ये देखिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर चांस मांगते हैं, बहुत से लोग फोन के माध्यम से चांस मांगते हैं, लेकिन वीडियो पर चांस मांगने वाला अगर कोई एक बंदा है तो सिर्फ ये। आप लोगों ने इसे देख लिया ना, कैसा लगा? ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप सब लोगों को हंसा दिया इसने। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और उनके पीछे बहुत सी कहानियां भी हैं। बहुत से लोग रुला देते हैं, बहुत से लोग हंसा देते हैं, बहुत से लोग इमोशनल कर देते हैं। हर मनुष्य के पास अपनी एक कहानी होती है। ऐसे किसी एक को आपको ढूंढ निकालना है, और उसको ढूंढ निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन पावर बहुत जरूरी है। ट्रेंड ट्रेंड बोलकर दूसरे के पीछे भागने से अच्छा ये होगा कि आप लोग अपनी खुद की एक ट्रेंड शुरू करें और फिर अपना नाम रोशन करें। रीना, टेंशन मत लो यार, फिल्म लाइन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हाथों में स्क्रिप्ट लेके प्रोड्यूसर्स के चक्कर लगाते रहते हैं, हमें पेशेंस रखना चाहिए। तो क्या हम लोगों ने इतनी मेहनत करके जो स्क्रिप्ट लिखी है उसे हम फेंक देंगे? फेंकने के लिए कौन कह रहा है, फिलहाल उसको साइड में रख देते हैं। जैसा प्रोड्यूसर चाहता है वैसी स्क्रिप्ट में इतनी जल्दी तो तैयार नहीं कर सकती यार। मुझे एक कैरेक्टर चाहिए जो मुझे इम्प्रेस करे, मुझे मोटिवेट करे, एंड यू नो सबसे ज्यादा ही शुड ड्राइव मी क्रेजी। व्हेन यू विल बी बैक, आई एम वेटिंग फॉर यू हनी, यू आर रियली फनी। व्हाट, यू ऑलरेडी हियर? ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। मतलब कितनी देर ये वीडियो कॉल पे इससे बकवास कर रही थी? Hello baby, how are you? Same friend, right? Yeah. इस पार्टी में मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। किसी ने मेरा वॉलेट मार लिया, जेब में बड़ा होल बना दिया, और मेरे गाड़ी में नो पेट्रोल। आई गो टू पापा एंड सेड पापा गिव मी मनी। उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, इतना बड़ा होकर तुझे वॉलेट संभालना नहीं आता। नाउ माय फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इतने बड़े आदमी के साथ इतनी छोटी सी प्रॉब्लम। ओह नो, मेरे ड्राइवर ने पेट्रोल डालने के पैसे दिए मुझे। नो पैन कार्ड, नो क्रेडिट कार्ड, नो आधार कार्ड। जरा सोच कर देखो, आई फील लाइक आई एम बिगर। डोंट वरी हनी, अरे यार, पैसा हाथ में आया नहीं, कुछ चलना चाहिए। अरे क्या है, भाड़े का कोड 2 मिनट भी पहने नहीं दिया। अब क्या है? अबे ये तेरा नहीं है। नो प्रॉब्लम, चलने का। आई जस्ट कम होम। हे,
पण हमेशा की तरह लेट। हाय, जो लेट आता है वही स्टार होता है। येलो सर, थैंक यू सर। श्रवण, क्या टॉर्चर कर रहे हो यार? क्या ये सुबह सुबह मेरा नाम खराब करने निकल पड़े? नहीं अंकल, हम तो सुपरस्टार बनने जा रहे हैं। बैनर के सामने गाड़ी पार्क करते हो तो स्टार के फैंस को गुस्सा आएगा ही ना। ए भाई, उधर देख बोर्ड पर। क्या है? ए, उसके ऊपर देखना, ऊपर कोई अपना बोर्ड उतार रहा है। ये उतार के नीचे फेंक दो। ए, कौन है जो हमारे स्टार का बोर्ड उतार रहा है? ए ब्रो, तुम्हें क्या तकलीफ है? हमारे स्टार का बोर्ड क्यों नीचे उतार रहा हो? दुखे? अरे क्या शर्वान, तीन महीने से बोर्ड का भाड़ा नहीं दिया, ऊपर से तुम्हारे ये फंटर भी अपना पैसा नहीं चुका रहे हैं। अरे कौन से पैसे मांगोगे? क्या मैं बात कर रहा हूँ? हाँ भाई बताओ, कितना हुआ पैसा आपका? 2002 रुपया। बस इतना ही ना, निकाल रहे। अब 2004 हो गया है। चलो ठीक है, बाकी का बाद में देना। अब ये पैसा जेब में रख लो। अब तो सब क्या है रे? देखो क्या हो रहा है। अबे इसकी तो, ए बच्चे हमारा रोक ना रे। अरे पूरा करने तो दे। ए मेरे पोस्टर पे सुजुकी है, पकड़ उसको। अरे क्या भाग रहा है तू? पोस्टर लगा रहे हैं। वाह, लेग पीस स्पेशलिस्ट। आपको कौन सा पीस चाहिए मैडम? नहीं नहीं, ओह गॉड, हर दुकान पे वही एक मॉडल है। My contact number. Sahili and Dhoni Spa. सुपरस्टार श्रवण सर, ऐसा कोई देश नहीं जहां मैं नहीं गया, ऐसी कोई करेंसी नहीं जो मैंने नहीं देखी, ऐसा कोई डांस नहीं जो मैंने नहीं किया, ऐसी कोई फाइट नहीं जो मैंने नहीं की। पर समझ में नहीं आता, मेरा दिल एक्टिंग में घुसा हुआ है। मेरा हुलिया देखकर हाई क्लास समझकर मुझे साइड मत कर देना, नहीं तो मुझे भिखारी का रोल करना पड़ेगा। दे दे बाबा, साईं बाबा आया हूं। ये दुनिया माया है सर, मैं कमल हसन की एक्टिंग भी कर लेता हूँ। मैं बिल्ली की तरह मैं आवाज भी निकाल सकता हूँ। जानवरों की जरूरत नहीं पड़ेगी फिल्मों में। आई कैन हैंडल। सर, कोरिया से मेरा दोस्त बॉबो फोन कर रहा है। आई कॉल यू बैक। मैं क्या करूँ? माँ, 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 तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ माँ, मैं प्रोड्यूसर्स के साथ वीडियो कॉल पर होता हूँ तो दाल को तड़का मत दिया करो। मेरी स्टार वैल्यू के बारे में तो सोचो। यहाँ खाने के वादे चल रहे हो, तुझे स्टार बनने की पड़ी है। अगर ये पेट भरना है ना तो तड़का लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही तड़का देती रहेगी तो मैं स्टार कब बनूंगा? अरे इमली का डिब्बा कहाँ रख दिया? तुम्हें लड़के से ज्यादा इमली के डिब्बे की ज्यादा चिंता है? पुराने कपड़े देके डिब्बा लिया था, वो भी गायब हो गया। इस घर की जिम्मेदारी अकेले मेरे सर पर है। एक ही कॉल में सुपरस्टार वोल्डी पटाकर श्रवण। सर आपने लिखा ये? हाँ मैंने लिखा है। वाह, बल्ले बल्ले, आप इतना आगे पहुंच गए हैं। ये क्या तुम्हारी खोपड़ी की तरह खाली है ये भी? पापा, मेरी कोई भी चीज छुआ मत करो। ध्यान से सुनिए, ये मेरा एरिया है, यहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता। कहाँ पर गई वो चुड़ैल? मैं प्रोड्यूसर से बात करता हूँ तो म्याओ म्याओ करके साउंड निकालती है। कहाँ है रितु? माँ मेरी पैंट कहाँ है? पैंट ढूंढ रही है तेरी? तो रुक, तेरे हाथ पर तोड़कर मैं पैंट बना के पहन लेता हूँ। तू मुझसे मजाक करती है? रुक, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे ए रीना, इधर देखो। तुम अभी तक इसके पीछे पड़ी हो? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम रीना। कौन? श्रवण?
हाँ यार, कितने दिनों से इसे फॉलो कर रही हो तुम? इसके कैरेक्टर में जरा भी अंतर आया क्या? लेकिन ये इंटरेस्टिंग तो है ना। देखो ये भी तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। थैंक यू। तो इसे लेके भी पिक्चर बना सकते हैं क्या? मेरे में क्या कमी है यार? ए चुपचाप घंटी बजा। पिक्चर में स्टोरी इम्पोर्टेंट होती है, वो तो हम लोग खुद भी लिख सकते हैं ना। जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अगर ऐसे कैरेक्टर को लेंगे तो शुरू से लेके अंत तक लड़कियों को गुलाब देना, लोगों को बेवकूफ बनाना फिल्म में ऐसा ही चलता रहेगा। तो तुम मुझे ये बताओ, हम लोग इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? बेकार की बातें मत कर आरती। दो तीन दिन में ऐसी स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। हर एक कैरेक्टर की कहानी में एक ट्विस्ट होना चाहिए, बस तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तब तक हम लोग इसी तरह से रहेंगे क्या? इतने अच्छे अच्छे ऑफर थे, छोड़ दिया तुम्हारे लिए, ये मत भूलो। मेरे लिए किसी को अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जिसे जाना है वो जा सकता है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ? बगल के रूम में जाने के लिए ऐसे झगड़ा कर रहा है जैसे बैंकॉक जाने के लिए कर रहा हो। जाके बोल दे अपने हीरो को कभी दूसरों को बेवकूफ बना बिना मेहनत से खा के दिखाए। ये भी कोई कैरेक्टर है जिसे ये फॉलो कर रही है। हाय, जरा इधर देखो। ये कौन है तुम्हें पता है क्या? नहीं पता है। अरे ये है टी कॉफियो। टी कॉफी है? अरे भाई उसके कान का मशीन लगाओ। ये कान में लगाना भूल जाते हो, कान में लगाओ। ये कौन है पता है क्या? नहीं। ये है अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर। श्वार्ज़नेगर? इन दोनों को मिक्स करके अगर तुम्हारी दुकान का ऐड करवाया तो क्या होगा? मेरा मतलब है कि सब कुछ बिक जाएगा। अरे मतलब कि सेलिंग अच्छी होगी। ऐसा है क्या? हमारी दुकान पे आएंगे क्या? वो तेरी बुआ का लड़का है ना, बुलाएगी तो आ जाएगा। चुपचाप बैठ। ये सेलिब्रिटी है, डेट लेनी पड़ती है, एडवांस देना पड़ता है। कितना देना होगा? कितना देना होगा? कितना बताऊँ इसको? गाड़ी, दारू, चखना, बीड़ी, सिगरेट, मुर्गी सब मिलाकर कितना होगा? 5,000। 5,000? 5,000 रुपए लगेंगे। ठीक है। वो देखो स्टार आ गया। ये है क्या? ये तो उसका चमचा है, स्टार तो अभी बाहर निकलेगा। दे। ए, भाई इसमें नहीं बैठेंगे, कुर्सी ला। बिठाओ, बैठिए साहब। मेरी कुर्सी। इनको बैठने के लिए स्टूल दे रहे हैं। ठीक है आप बैठो। सिगरेट पियोगे भाई? नहीं चाहिए। भूल गया क्या, ये भाड़े की है। बात दिमाग में घुस गई ना। ए छोड़ो, सेल्फी लेना चाहता है। चल जा। ए सुनो, जाओ जाकर माँ से पैसे लेकर आओ। हेलो 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 सरवन सर, फोन है आपके लिए। कोई लड़की है? हेलो। ये लड़कियां फैंस भी मुझे बहुत सताती हैं। हेलो सरवन। हाँ तो बिंदा स्पीकर पे डाल दे। हेलो सुपरस्टार श्रवण स्पीकिंग, हु इज टॉकिंग? चप्पल से मारूंगी तुझे। इतना हट्टा कट्टा और हैंडसम होने के बावजूद भी लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता है। पुरानी गर्लफ्रेंड है, अपनी मेहनत से पैसे नहीं कमा सकता या फिर कमा के खाने की औकात ही नहीं है तेरी। वो बस चिल्लाती रहती है। बेचारा एम्बुलेंस चलाकर पैसे कमाता है। पकड़िए, तुझे तो बीच बाजार में फांसी से लटकाकर मार देना चाहिए। जोक जोक। सरवन, हे इडियट, आर यू देयर? अब मैं फोन कट कर मरवाएगा। हां कट कर, हम कट कर। जस्ट जोकिंग ओल्ड फ्रेंड्स। ये कौन हो सकती है जो मुझे कॉल करके इतना डांट रही थी? हमेशा तो मैं लड़कियों को फॉलो करके उनकी डिटेल्स निकालता रहता हूँ, लेकिन इस बार तो मुझे किसी लड़की ने फॉलो किया। कितना हक से गाली दे रही थी। अच्छा, ये मुझे सुधारना चाहती है या मुझसे प्यार हो गया है? इसे प्यार हो गया है? ओहो, इसी को प्यार कहते हैं क्या? ओ चो 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 चो, चलेगा तू गाली दे बिंदास। हेलो। जो चीज मेरी माँ को भी नहीं पता उसकी जानकारी तू रखती है, इसका मतलब तुझे मुझसे प्यार हो गया है क्या? मैं इतना कमीना होने के बावजूद भी तू मुझसे प्यार कर बैठी। मुझे तेरे से तुरंत मिलना है। मिलके मुझसे भी पैसे लूटेगा क्या? ए डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, ऐसी बातें मत किया करो यार प्लीज। मेरे दिल के दो कुर्सियों में एक पर माँ बैठी है और दूसरी कुर्सी पर मैं तुझे बिठाना चाहता हूँ। यही बात तो शहर की सारी लड़कियों से बोलता है ना। चल फोन रख। ए एक मिनट एक मिनट, अगर मैं पूरा सुधर जाऊंगा तो तू मुझसे मिलने आएगी? तू बस काम पे जा और मैं तेरे सामने आके खड़ी हो जाऊंगी, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। ओके बाय। ए अरे नाम बताए बगैर ही फोन रख रही है। वो तू खुद ही पता कर ले। चांदनी।
मेरी अंधेरी जिंदगी में तू उजाला बनकर आई है चांदनी। हेलो, इतना बैलेंस खत्म हो गया चांदनी आ गई है क्या आवाज थी, क्या डांट रही थी, क्या गालियां दे रही थी, मजा आ गया सुनकर कोई अपना लग रहा था ये उधर क्या देख रहा है ये क्या यार, फटी हुई चड्डी को इतने गौर से देख रहा है तू? ए, चड्डी नहीं बे, उसके अंदर की चीज को देख रहा हूँ। चड्डी के अंदर तुझे क्या दिखा? अगर उसको देखना है ना तो दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। उसमें मोहब्बत की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे ही दिख जाएगी। अबे डमरू, मेरे सर से जू निकाल रहा है। अबे चुप, वो मुझे काम पर जाने के लिए बोल रही है। क्या काम पर जाने को बोल रही है? ओ, ये नई कहानी है क्या? सबके पीने के लिए कुछ इंतजाम लाया हूँ। क्या हुआ, तुम दोनों मिलके मेरी चड्डी को क्यों घूर रहे हो? भरोसा नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ सोऊं भी या नहीं? जाकर भैंस के साथ सो जा। ए पागल, अपना भाई बोल रहा है कि अब इसको काम पर जाने की जरूरत है। क्या कहा, काम पे जाना? इसकी गर्लफ्रेंड ने कहा है ये प्यार में पड़ गया है भाई। प्यार में? ये क्या, तू भी लेट रिएक्शन देता है। तुझे उस लड़के का नाम पता है क्या? हाँ पता है, चांदनी। अरे रे, ये नाम तो तूने रखा है। अबे चल हट। श्रवण मेरी बात सुन, श्रवण बच जा यार, सुन यार, रुक जा यार। इतने दिनों से काम नहीं किया तो गुजारा हो रहा था ना, अब ये क्या नया ड्रामा है? देख भाई, कल मेरी शूटिंग है, बहुत पैसे आएंगे, हम लोग मजा करेंगे। ए, मैं हूँ ना तेरे साथ यार, तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है यार? नहीं यार। ए, ला ला ला, पेगला पेगला, बोतल लेकर ऐसे ही खड़ा है, डाल इसमें, डाल और डाल, बस बस बस, ये ले पी ले। नहीं नहीं, हो सकता है वो पीने वालों से नफरत करती हो। एक काम करता हूँ, मैं उसको फोन करके पूछूं। कौन है? दिखा क्या? इधर भी नहीं है। जाओ इधर देखो। चलो उधर। भगवान बुरे लोगों को बहुत देता है, आखिर में साथ छोड़ देता है। अच्छों को बहुत रुलाता है लेकिन आखिर तक साथ निभाता है। अच्छा लगा कबाली। काम नहीं हो रहा है तो क्यों कर रहे हो? ए श्रवण, ये फैन उठा के एम्बुलेंस पे रख दे। मेरे फैंस मुझे उठाएंगे, मैं किसी फैन को नहीं उठाऊंगा। देख उनकी कितनी सांस फूल रही है, चल फैन ले जाके रख दे। जाने दो से, कह रहा था ना इसकी कोई शूटिंग है। थैंक्स डैडी। कौन सी शूटिंग? मोहल्ले के टपोरियों के साथ मिलकर उस ट्रकले की दुकान पर फोटो खींचा के आता है। 50,000 का वर्थ है। मेरे बारे में कुछ भी कहना लेकिन मेरे कैरियर के बारे में कुछ मत बोलना। हेलो ब्रदर, वो कैरियर नहीं करियर होता है। बोला फेरी। जारी ट्यूबलाइट है। समझा देना इसको, बहुत बोलती है। थोड़ी देर में सुपरस्टार श्रवण की जिंदगी रॉकेट की तरह तेज भागने वाली है। अब मेरे टैलेंट पर कोई भी कमेंट नहीं करेगा, समझे? बेबी बेबी, हीरो शूटिंग के लिए जा रहा है, स्टार्ट हो जाना मेरी जान, प्लीज ट्राई टू। आई लव यू डियर, बाय डैडी। जरा देख के चलना। अबे तेरी मुझे देख के चलने को बोलता है? भाटा कर, तेरी गाड़ी की तो ठीक से चला नहीं सकता। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बेटा ये क्या हो गया? जरा इसके पैर पकड़िए। ए डर पक्का भाग गया। इनके कोई पहचान वाले हैं तो बुला। डैडी, डैडी, तुम्हारे पापा है क्या? हाँ पापा। जरा इनको सांस दो। सांस? जल्दी कैसे? जल्दी आओ पापा, क्या हो गया? श्रवण, श्रवण, क्या हुआ?
इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। अरे कोई नहीं, पानी तो पिलाओ। लेके जाओ जल्दी करो पापा। हार्ट अटैक आया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ दिन रेस्ट करना पड़ेगा, काम से छुट्टी ले लीजिए। काम पर नहीं जाऊंगा तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? जवान बेटा है फिर किस बात की चिंता, ये सब संभाल लेगा। अब तुम्हें अपने पापा की जिम्मेदारी उठानी है, समझ गए ना? ठीक है डॉक्टर साहब। हेलो, कुमार स्वामी है क्या? हाँ। मॉर्चरी में एक बॉडी आई है, कुमार और काली पूरा लुढ़क चुके हैं, तू नहीं पीता है, एक काम कर, तू जल्दी से आ जा, आके पहचान ले, कोई तेरा आदमी तो नहीं इसमें। कौन है फोन पर? हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। पापा, मुस्तफा ने फोन किया था, एक सवारी आई हुई है, मैं जाके आता हूँ। तू रहने दे श्रवण। अरे पापा, आज से आपको कंप्लीट रेस्ट, डिस्चार्ज मिलने तक आपका फोन स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है ना? देखो किसी और काम पे चलो, लेकिन ये काम मत करो। डैडी। ए, डैडी बोल रहे हैं तो सुना कर, समझा? तेरे आज एक दिन काम पर जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है, तू कहीं शूटिंग पर जा रहा था ना, जा। लेकिन इसमें 50,000 तक भी नहीं मिलने वाले। हाँ, तुझे 5 रुपए भी नहीं मिलते ये हमें पता है, फिर भी तुझे पसंद है इसलिए कह रही हूँ, जा। इस हालात में मैं भी अगर काम पे नहीं जाऊँ तो क्या होगा माँ? हेलो ब्रदर, इतना सेंटिमेंटल होना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। 2 दिनों से किसी लड़की से फोन पे बात कर रहा था, वो बोली होगी इसलिए भाई साहब को अचानक से जिम्मेदारी याद आ गई। अरे ये क्या सुन रही हूँ मैं? अरे तुझे तुम ये सुपरस्टार श्रवण, बाद में बताऊंगा। ब्रदर, काम पे जा रहा ना तो तेरा ये बैग और ये लगेज भी ले जाना साथ में। मां समझाना इसको। एक्सक्यूज मी, कुमार स्वामी आगे हैं, आगे से रही। नमस्ते स्टार भाई। श्रवण का कॉल। हेलो। अरे चांदनी, हम भी काम पे जाने लग गए। सच में? क्या काम कर रहे हो? सस्पेंस। स्टार को भी ऐसी जगहों पर आना पड़ता है। अरे भाई, मुस्तफा भाई ने भेजा है। कुमार स्वामी हो? पार्सल रेडी है क्या? पार्सल? अभी तैयारी चल रही है भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या कहा? टाइम लगेगा? ओए, काम में पंक्चुअल नहीं हो क्या? कोई तरीका है कि नहीं? चिल्लाओ मत। अरे क्यों नहीं चिल्लाऊं मैं, कितनी दूर जाना है मुझे, तू चलाएगा गाड़ी? जैसे ऑर्डर दिया वैसे तुरंत पार्सल रेडी होना चाहिए, पता है? चिल्ला क्यों रहे हो भाई, उनके रिश्तेदार रो रहे हैं, थोड़ी धीमी आवाज में बात करो यार, खामखा चिल्ला रहे हो। हेलो। अरे चाचा, थोड़ा लंबा जाना है तो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, चलेगा क्या? अरे ओ चाचा, सुनाई नहीं देता है क्या? बेटा मैं बात करने की हालात में नहीं हूँ। बात करने की क्या जरूरत है, कुछ एडवांस दे दो, काम चल जाएगा। बेटा मैं गांव पहुँच के एक साथ दे दूंगा। ओह, तुम लोग गांव में ओह करके रोते रहोगे और मैं तुम लोग के पास बैं करते देखता रहूंगा क्या? ओए मजाक समझ कर रखा है क्या? ओए, अरे क्या ड्रामा कर रहा है ये बुड्ढा? क्या हो रहा है इधर? सर बहुत लंबी बुकिंग ली है सर, एडवांस मांगा तो ये बुड्ढा इनकार कर रहा है, आप ही बताइए सर, ये कोई तरीका होता है क्या? क्या हुआ सर? कब कहां क्या बात करनी है समझ में नहीं आता, पब्लिक की सेवा करना ही तेरा मेरा फर्ज है, ये ले। सर आपके जैसे और 4 लोग इस दुनिया में हो जाए ना तो करप्शन, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन तीनों की परेशानी नहीं होगी सर। पुलिस वालों से भी पैसे ले लिया, भयंकर खिलाड़ी है भाई। हे, उसका कॉल आ रहा है। ओके ओके। हेलो, हे चांदनी, मेरा फोटो देखा कि नहीं? सब देख रही हूँ मैं। कैसे? मन की आंखों से। ओह माय गॉड। Oh.
क्या हुआ? एम्बुलेंस में बॉडी रख दी है, जल्दी जाओ ना। ओह रख दी। पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है इनका। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? ओ बुढ़ाओ। देखा क्या कैरेक्टर है। तक 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 तक। गाड़ी है यार, ना एसी है ना म्यूजिक सिस्टम है, पता नहीं मेरे डैडी ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। छोटे ऐसे माहौल में ऐसा गाना अच्छा सोड़े ही ना लग रहा है। रो मत, रो मत। जाए तो जाए कहाँ। ये भी अच्छा नहीं है। एक मिनट। हाँ अरे चाचा, आप ऐसे ही रोते रहोगे तो मैं गाड़ी कैसे ध्यान से चला पाऊंगा। रो नहीं तो और क्या करूं बेटा, वो मेरे गोद में खेलता कूदता था, आज मैं हूँ वो नहीं, भगवान ने कैसे दिन दिखाए। किधर है? अरे भाई थोड़ा वेट कीजिए, बस आती होंगे ना। ये तो तुम लोग मुझे सुबह से बता रहे हो, और ऊपर से इस बेशरम को चाय भी पिलानी पड़ती है। ए, 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 अरे, अरे यार ये स्टाइल है। हेलो सुपरस्टार श्रवण स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? अबे क्या हुआ, ऐसी आवाज क्यों आ रही है? लगता है सिग्नल वीक हो गया। सिग्नल वीक नहीं है, मेरी आवाज वीक हो रही है। एनाकोंडा मेरी गर्दन में लिपट गया है। अरे मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, पैसे कमा रहा हूँ। हमेशा की तरह झूठ मत बोल यार, मैं तेरे भरोसे इन लोगों से पैसे लेकर बैठा हूँ। अच्छा तेरे को भरोसा नहीं हो रहा है? हाँ रुक एक मिनट, होल्ड कर होल्ड कर। एक सेल्फी ले लूँ क्या आपके साथ? चाचा जरा कैमरे में देखो ना, एकदम फ्रेम 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 में आओ। वहाँ क्या कर रहे हो? ए, जल्दी आकर देखो। देखो मैंने तुम्हारा फोटो उसको सेंड कर दिया है। अरे यार क्यों भेजा तुम लोगों ने? तेरी ही बोलने पर वो बंदा काम पर जाने लगा। पहली बार उसने अच्छा काम किया इसलिए उसे गिफ्ट दो। गिफ्ट दे? ये फोटो ही उसके लिए गिफ्ट है, इसी में वो पागल हो जाएगा। गिर गई लाल बत्ती। अरे चाचा आपने कभी प्यार किया है क्या? अरे बत्ती गिर चुकी है। बेटा पेट्रोल पंप ले चलो, पेट्रोल भरवाना है। अरे जरूरत नहीं है चाचा, मैंने पहले टैंक फुल करा दिया है। आगे पूरा पहाड़ी वाला इलाका है तो पेट्रोल मिले न मिले इसलिए पेट्रोल लेके रख लेते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है दाहिने ले लो। चलो भाई चलते हैं। ओए वो क्या कर रहा है तू? अरे पेट्रोल है भाई। अबे वो मुंह में रखा लॉलीपॉप है क्या? एक इंटेलिजेंस है, ब्रिलियंस है, एटलीस्ट सिक्स सेंस नहीं है क्या तुम में? अगर गलती से आग लग गई ना तो हम सबका यहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। चल। अरे ओ चाचा आप उनको समझाते क्यों नहीं हो? अरे चलो जाके बैठो अंदर, चलो सिगरेट पीना है इनको। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों जमा हो गई? चाचा आप यहीं रुको, मैं जाके देखता हूँ। तो? अरे वाह वाह एक नंबर है।
बेटा तू जरा जाके देख लेना। देख रहे हो ना कैसे उसको मार रहे हैं, तो फिर चल ठीक है, सायरन लगा गाड़ी को, तेजी से चलाना। सायरन लगाने से गाड़ी हवा में उड़ती है क्या? ये हेलीकॉप्टर है क्या? चुपचाप बैठे रहो जाजा, फाइट देखो ना। पीटर बैंड का असिस्टेंट लगता है ये, क्या कमाल के घूसे मार रहा है। वाह मार। ओ चाचा ओए, तंबाकू लेने जा रहे हो क्या? अरे यहाँ कोई दुकान नहीं है। अरे जाते वक्त रास्ते में ले लेंगे। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो चाचा? अरे चाचा मत जाओ, बोल रहा हूँ सुनो, क्यों मरने जा रहे हो? डेड बॉडी नंबर 2 कंफर्म। कैरेक्टर तो ओके, पर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है हमें कैसे पता चलेगा? डोंट वरी, वो जैसे वापस आएगा रीना उसके साथ बैठ के पूरा स्क्रिप्ट नरेट करेगी। शट अप यार। अरे शर्मा मत। ए नथिंग लाइक दैट, वो अपनी लाइफ में भी एक अच्छा आदमी बन गया है। दैट्स एनफ, आई एम हैप्पी। बेटा नारियल के आगे गाड़ी रोक देना। अच्छा यहीं पर क्या? ठीक है। हां हां यहीं पर, आराम से उतरना बेटी। हां ठीक। संभाल के जाना बेटा। ठीक है। चाचा ये रिश्तेदारों को बीच रास्ते में ही उतार दिया? ऐसा कुछ नहीं है, अंतिम संस्कार तो आदमी लोग ही करते हैं ना, तो सोचा औरतों को क्यों ले जाएं। नहीं फिर भी साथ में आएंगी तो? हमारे गांव की यही परंपरा है बेटा, ज्यादा सोचो मत, गाड़ी चलाओ। चाचा वो लोग पीछे दारू पी रहे हैं। अरे पीछे लाश पड़ी है उनके सामने। चाचा इतनी बड़ी नाक है आपकी, जब पीछे उन लोगों ने बोतल खोली तो आपको बिल्कुल बास नहीं आई। यस वी आर जस्ट अप्रोचिंग द हिल एरिया, आई थिंक आई विल लूज द सिग्नल इन 2 or 3 minutes। या बॉडी सेफ ओनली, गाड़ी चलाने वाला बंदा भी अपना ही है। Yeah, no problem. इस मनहूस को जब तक जला कर राख न कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। Wait, I'll call you back. गाड़ी में बैठी हुई औरतों को बीच रास्ते में उतार दिया, उनको आपने पैसे भी दे दिए,
और ये लोग पीछे आराम से लाश के सामने बैठकर पी रहे हैं, और आप भी अभी मोबाइल में किसी के साथ अंग्रेजी में बड़बड़ा रहे। समथिंग इज रॉन्ग, मुझे इन सब का जवाब चाहिए, नहीं तो मैं गाड़ी आगे नहीं बढ़ाने वाला। हाँ कैसे नहीं हिलेगा, अभी लेके जाएगा। इतनी देर से बकवास कर रहा है। ला 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 ला। क्या हुआ? नहीं, अरे चाचा मुझे जोर की पेशाब लगी है। बात बात पे गन क्यों उठा लेते हो? आपको जहाँ जाना है छोड़ दूंगा ना, लेकिन फिलहाल के लिए आप मुझे छोड़ दो। अब मैं पेशाब जाके आऊँ क्या? प्लीज। जिस जिसको पेशाब करनी है वो यहीं पर कर लो, आगे गाड़ी कहीं पे नहीं रुकेगी। ये तो ऐसे बोल रहा जैसे बस का कंडक्टर हो। कहाँ बस गया यार। चाचा, जस्ट मिस हो गया। गोटी खेल रहे हो क्या? अरे जान के साथ खेल रहे हो मेरी। मुस्तफा को बोलो। मुस्तफा, बॉडी मिस हो गया है सर। तेरा ही आदमी था ना वो एम्बुलेंस वाला कुमार स्वामी? कमीना आदमी है सर, धोखा दे गया।
What the hell is happening here? I told him to be careful. We are going to be screwed now. Whatever the consequences may be, we have to finish the mission. Just relax, sir. No way. Chart out my flight now. Hey, क्या बके जा रहा तू हाँ? मुझे पता है कि कब स्टार्ट करना है और कब खत्म करना है। और तू सुन अपना मुंह जो है ना चुपचाप बंद रख और जाके यहाँ बैठ बैठ। ए, सर। आओ। अरे सर। बच्चे जैसा समझाया और फिर भी सारा काम बिगाड़ कर आ गया तू हाँ? दिल करता है कि तेरा थोपड़ा तोड़ दूँ सर। हाँ? आइए आइए शहर में शानदार फ्लैट बच्चों को अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन है जितना तूने मांगा उससे ज्यादा दिया मैंने तुझे और तूने हर चीज पर पानी फेर दिया हुआ जेम्स बजा दिया सर बजा दिया इतनी जोर से मारा कि बचना मुश्किल है बहुत अच्छे अरे लेकिन क्या हुआ है ब्रिज से नीचे गिर गया और लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं पता करोगी कौन सा हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं मुझे बताओ सर मैं देख लेता हूँ सर ठीक से चेक करो खासकर मोबाइल पेन ड्राइव या सीक्रेट पेपर है तो बताओ चेक ही कर रहा हूँ सर सुनो ठीक से चेक करो कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए सर कुछ मिल ही नहीं रहा है दारू पी रखी है क्या ठीक से चेक करो कुछ छूटना नहीं चाहिए कसम से सर कुछ नहीं मिल रहा पूरी बॉडी चेक कर ली मैंने ए मुस्तफा एक कपड़ा इस पे अच्छी तरह से रोल कर देना ताकि लगे कि इसका पोस्टमार्टम हुआ है ओके हेलो बोलिए सर जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो उस लड़के के पीछे बहुत बड़ी कहानी है उस लाश के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए जितनी जल्दी हो सके उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम करो उसकी फैमिली तक को पता नहीं चलना चाहिए ये काम तो सिर्फ तू ही कर सकता है कोई गलती मत करना आप टेंशन मत लो सर मैं एक आदमी को जानता हूँ उसको बता दूँ तो वो जंगल में ले जाकर इसको ठिकाने लगा देगा सर सर आपने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया हाँ? मुस्तफा भी हमेशा कॉन्टेक्ट में था ड्राइवर ने खेल बिगाड़ दिया सर मुझे कुछ शक हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि वो एम्बुलेंस लेकर क्यों गया ए, मैं भी तो इसी का जवाब मांग रहा हूं तुम लोगों से और सुन ये अपनी ज्यादा बुद्धि मत लगा तू समझा नहीं अभी क्राइम रिपोर्टर दीपक का क्या कनेक्शन हो सकता है समझा तू सर हां क्या हुआ ट्रेस किया कि नहीं सर दीपक के फोन को ट्रैक किया हमने इट्स एक्टिव कन्नेमेले के पास में वटापरी रेंज से सिग्नल मूव होते हुए नजर आ रहा है और इस नंबर पे बहुत सारे कॉल्स आते जा रहे हैं लेकिन कॉल अटेंड नहीं हो रहा है और एक खास नंबर से लगातार बहुत से कॉल्स आ रहे हैं ट्रेस करने पर पता चला किसी जानकी का कॉल है
या मेन रोड कहाँ पर है? आगे आधा किलोमीटर के बाद मेन रोड है, सीधा जाकर राइट ले लेना। गाड़ी रोको, लकड़ी वाले से पूछताछ करते हैं। रुको, ए रुको, रुको रुको, इधर सफेद रंग की कोई गाड़ी दिखी जिसके ऊपर लाल बत्ती लगा था? तुम लोग इधर ही के हो ना? ओ एम्बुलेंस क्या? हाँ। मुझे तो नहीं दिखा सर। कहाँ गया होगा? वो देख, वो एम्बुलेंस, इसी गाड़ी को तो हम ढूंढ रहे हैं। सर, 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 मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ सर। वो तीन लोग थे सर, एक ही हाथ में बंदूक थी, वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे सर। वो देखिए एम्बुलेंस की कांच भी टूट गई है सर, मुझे बचा लीजिए सर। अरे डरो मत, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मुझे बचाने आ गए। अब हमारा काम आसान हो गया, गाड़ी में बॉडी है ना? हाँ बॉडी है, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारी हर बात का जवाब देने के लिए हम लोग नहीं है। चल सर, कहाँ लेके जा? ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप गाड़ी में बैठ। सर लेकिन सर मेरे कुछ नहीं किया। अरे रुक जा। माँ, डैडी को कोई ढूंढने आया था क्या? माँ नहीं तो क्यों? माँ चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन डैडी का फोन स्विच ऑन मत करना प्लीज। क्या हुआ? और हाँ, अपने एम्बुलेंस के बारे में कोई कुछ पूछे तो कुछ भी मत बताना माँ। क्या हुआ है बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? माँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो ना, बेकार के सवाल मत करो मुझसे। क्या कह रहा है तू? मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो हेलो माँ, हेलो माँ, हेलो हेलो। सुन, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम डरो मत माँ, बस इतना बता दो कि डैडी कैसे हैं? वो सो रहे हैं। माँ मैं बाद में कॉल करता हूँ, डैडी का ध्यान रखना। हा? अरे पर सुन तो। हेलो, अरे हेलो, ए श्रवण, नालायक कहीं के। अरे मेरी बात तो सुन, तू एक नंबर का बदमाश है यार, तू इस बुड्ढे के पास हम लोगों को फंसा कर चुपचाप निकल लिया। ए तू क्या बोल रहा है? मैं क्या बोलूं यार, तू पैसे लेकर यहाँ से भाग गया और इस बुड्ढे ने गुंडा बुलाकर हम लोगों को पिटवा दिया यार। पैसे तो गए ही गए, हम लोगों का हुलिया भी बिगड़ गया। अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन पहले। ठीक है बोल। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ यार। एक बार झूठ मत बोल श्रवण। कौन सी मुसीबत में फंस गए? सच में मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। अबे चकना किधर है? क्या बोला चकना? अबे ए यहाँ उससे भी बड़ी मुसीबत है, दारू और चकना भी खत्म हो गया। मैं जो बोल रहा हूँ तू सुनेगा कि नहीं? अरे मुझे दे, मुझे दे, बात करने दे ना, मुझे बात करने दे ना। तू बात कर, ले तू बात कर, कर बात। ए मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। ए वहां देखना उधर क्या है। ये तो वही लोग है ना जिन्हें हमने सुबह देखा था। सुबह तो ये लोग एम्बुलेंस में जा रहे थे। लेट्स गो, चलो नीचे चल के देखते हैं। आ जाओ। हाँ चलो। ये थी ना वो। वेट 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 वेट, क्या है? सुबह तुम लोग एम्बुलेंस में जा रहे थे, फिर यहाँ कैसे? एम्बुलेंस क्या?
कौन सी एम्बुलेंस? सुबह ही हमने तुम लोगों को एक डेड बॉडी के साथ एम्बुलेंस में जाते देखा था। सच सच बता दो, बात क्या है? कुछ ज्यादा नहीं चल रही तेरी जुबान? हाँ तो क्या तुम लोगों से प्यार से बात करें? देख तो, एक झांसी की रानी आई है और एक फूलन देवी आई है, हमें डरना चाहिए है ना? चलो निकलो यहाँ से। ए, शराफत से जो पूछ रहा हूँ बता दो, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। देख तो, ये भैया पुलिस के पास जाएंगे। एसपी को बुलाओगे, एसआई को बुलाओगे? आया बड़ा पुलिस को बुलाएगा। ए, चल इसको एसपी का नंबर दे दे। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं ये लोग, चलो यहाँ से। सॉरी सॉरी सॉरी, वो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है वो एक्चुअली मेरा दोस्त है, प्लीज बता दो ना। ओहो, तो वो लड़का तेरा दोस्त है? अब वो वापस नहीं आने वाला, अब तुम सीधे उसकी श्रद्धांजलि में उसकी फोटो देखोगे। चलो जाओ यहाँ से, चल। उनको पता चलना मुमकिन नहीं है और ना ही कोई मुझे फोन आया, तो ये लोग मुझे ट्रेस कैसे कर सकते हैं? शायद ये पियक्कड़ लोग कुछ छोड़ गए हैं क्या? ऐसे हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठ सकते ना रीना? वो औरतों की बात सुनी थी ना, इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ दें क्या? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रीना, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम्हारे कहने से ही उसने नौकरी ज्वाइन की थी। और एक बात सुन लो रीना, ये कोई कहानी नहीं है, किसी की जिंदगी का सवाल है। वो सिर्फ कोई कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक जीता जागता हमारी तरह इंसान है। ये लो फोन लगाओ, बात करो। सरवन, चांदनी, मैंने आज सुबह मॉर्चरी से एक डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाते देखा था। तुम्हारे साथ एम्बुलेंस में दो औरतें भी गई थी और उन्हीं दो औरतों को मैंने थोड़ी देर पहले एक मॉल में देखा। समथिंग इज रॉन्ग, तू सेफ तो है ना? पता नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत है। मेरी बात जरा तुम ध्यान से सुनना। हाँ बोलिए सर। सुनो, दीपक का फोन थोड़ी देर पहले अटेंड हुआ था। ओ अच्छा सर। और तुरंत स्विच ऑफ हो गया, हम उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे, एम्बुलेंस को किसी भी हालत में पकड़ना है। हीरिया बताइए ना सर। और थोड़ी देर में जानकी को भी मार देंगे, उसे किसी भी हालत में बचाना है, बस वही जानती है कि ये दीपक कौन है, जो भी हो रहा है वो सब वही जानती है। कहाँ है जानकी? तुझे जहाँ बोला था वहाँ पहुँच गई है ना? मैं बुकशॉप के पास हूँ। हाँ वहीं रुक, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उधर हाँ। चलो देखो, देखो इसमें हुआ। चलो चल जाओ, चल जाओ यहाँ, चलो। हे लिसन, यू गाइस स्टार्ट डांसिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ओके? हाँ ठीक है, हम लोग देख लेंगे। Ba 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 ba
अरे कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? हाँ तो क्या, तेरे साथ आ चुकी है? चल बड़ा या बेवड़ा कहीं का, चल कम ऑन। मैं मंत्री राजरतन के पास स्टेनोग्राफर की तरह काम करती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो मुझे बेटी मानते थे। चेकमेट। ओ, फिर आ गए। पहले चाल चलो, फोन बाद में उठाना। हेलो? हाँ कौन? हार गई ना, मुझे पहले से पता था। चलो फिर से शुरू करते हैं। मेरे कॉलेज के सीनियर दीपक का कॉल आया था। दीपक क्राइम रिपोर्टर था और सीनियर होने की वजह से हम उसकी इज्जत करते थे और वो बहुत सिंसियर लड़का था। एक दिन उसने राजरतन सर से पर्सनली मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगी और उस संबंध में हम एक दूसरे से हमेशा बात करते थे और ना जाने क्यों मुझे भी उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। क्यों भाई दीपक, मेरे ऊपर कोई रिपोर्ट वगैरह लिखने वाले हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, बस एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन करना था। हाँ पूछो। पिछले हफ्ते अन्नई पागल खाने में जो मेडिकल कैंप आपने शुरू किया था, क्या वो अभी भी ठीक ठाक चल रहा है सर? ऑफ कोर्स, फॉरेन डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पर आए हुए हैं और उनके गाइडेंस में वहाँ पर काम बहुत अच्छा चल रहा है। सर वो फॉरेन के डॉक्टर कौन है, किस कंट्री से आए हैं? इसके पहले उन्होंने कोई ऐसा मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया था या नहीं? वो लोग अभी कहाँ हैं, कुछ पता है आपको? देखो दीपक, एक मंत्री होने के नाते हर दिन मुझे कई लोगों से मिलना पड़ता है, कई जगहों पर जाना पड़ता है और मैं सिर्फ अच्छे काम करने में यकीन रखता हूँ। मेरी इस बात पर भरोसा रखो दीपक। जब आप दिया जला के आगे जाते हैं तो पीछे मुड़ के देखा है क्या होता है, सिर्फ दिया जल रहा है या कुछ और? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं दीपक। बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तो ऐसे बहुत से पागलों को देखता था और अपने दोस्तों को इनके नाम से छेड़ा करता था, फिर कुछ दिनों के बाद अचानक गायब हो जाते थे। कहाँ गए किसी को नहीं पता, शायद हम जैसे ही किसी ने उन्हें पागलखाने में भर्ती कर दिया होगा। लेकिन अगर वहाँ से भी गायब हो जाए तो? क्यों सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे तारीफ पसंद नहीं है, बस काम करना अच्छा लगता है। मंत्री जी ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ। छोटे इधर आ। जी साहब। इनको अंदर ले जाओ, ले जाओ। हाँ, चलिए साहब। यहाँ जो ट्रीटमेंट के लिए आए थे वो लोग कहाँ हैं? उनको अलग रूम में रखा है। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? आइए, मिनिस्टर के रिकमेंड से आए हैं ना, आपको दिखाता हूँ। आइए ये देखिए, इनका रोज का यही नाटक है। ए, हटो, 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 जानकी। यस सर। मैं पागल खाने के बगल में हूँ। हाँ, मैंने कैमरा सेट कर दिया है। हालांकि मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। Ah!
जानकी, इसे फौरन प्रेस में भेज दो। मैं कहता हूँ इसे अभी प्रेस में भेज दो। थोड़ा शांत हो जाइए सर, दीपक लाइन पर है, उससे बात कर लीजिए। दीपक सर, जल्दी उस गैंग की सीक्रेट मीटिंग होने वाली है और मैं वहाँ जा रहा हूँ, जल्दी सच्चाई का पता चल जाएगा। एंड यू बी केयरफुल। सब सबूत होते हुए भी बाहर देने से पहले राजरतन सर को दोषी ठहरा कर मार दिया गया। लेकिन दीपक है ना, ये सब एविडेंस को मार्टिन तक पहुंचाएगा और पब्लिक के सामने लाएगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। जानकी, स्पीकर पे डालो। हेलो रीना, जानकी को बचा लिया ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं? सरवन, जानकी यही है। जिसने मेरे डैडी को जिंदगी दी, उसे मरा हुआ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जानकी को दीपक के मौत के बारे में बता दिया कि नहीं? क्या हुआ, क्या बोल रहा है वो? हेलो, कौन है आप? झूठ बोल रहे हैं आप। अभी मैंने दीपक से बात की, ये झूठ बोल रहा है। कौन है ये? क्यों सब चुपचाप खड़े हो? बोलो रीना, बोलो। नहीं जानकी, हम लोग सच बोल रहे हैं, दीपक मर चुका है। सरवन ही उसे एम्बुलेंस में लेकर गया था। नो! नो! आखिरी एक बार मैं दीपक को देखना चाहती हूँ। मुझे कैसे भी दीपक को देखना है, प्लीज। हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं जानकी, शरवण उधर है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। दीपक जिस वजह से मारा गया, उसे तुम्हें ही सामने लाना होगा। कल तक जो हमारे अपने थे, आज वही हमारे खिलाफ है। बेचारा श्रवण, अब तक तो उसे भी घेर लिया होगा। अब उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए मैं एक बहुत ही ईमानदार शख्स को जानती हूँ, सिर्फ वही एक काम कर सकता है। वो हमेशा एक बात कहा करते थे, जो लोग हिम्मत से काम लेते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती, वो हमेशा जीतते हैं। वो ये भी कहते थे कि हमारी हार और जीत का फैसला कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही करेंगे। हमारे हस्बैंड के अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं। जानकी जरा फोन दो। राक्षस का वध करने का समय आ गया है। जानता हूं, उसी के लिए जा रहा हूं। सर, क्या हुआ? हमने ढूंढा पर वो नहीं मिला। सर, वो जरूर मिल जाएगा। मुंह बंद कर, अपना बात मत कर। तू एक लाश नहीं खोज पा रहे, तुम फिर काहे के पुलिस हो?
इधर ही देखो, यही कहीं होगा। ढूंढो उसे चारों तरफ। उधर दिखा क्या? इधर नहीं है। शर्वण, शर्वण, can you hear me? कैसे? शर्वण, talk to me. Hello. असिस्टेंट कमिश्नर सूर्य नारायण बोल रहा हूँ। पुलिस है क्या? फोन नहीं कट करना, रीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम किस मुसीबत में फंस गए हो इसकी जानकारी मुझे ज्यादा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो जो लोग हैं उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी नजर दीपक के फोन पर है, क्योंकि दीपक अपनी जान पर खेलकर उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर रहा था और वो सब कुछ उस मोबाइल में है। हमें किसी भी हालत में वो एविडेंस चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकता सर। कल तक अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचने वाला और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने वाला एक साधारण सा लड़का आज एक डेड बॉडी और दूसरी तरफ मौत को झेल रहा है। तुम्हें ये काम करना ही होगा श्रवण। यस, इट्स अ गॉड साइन। सर आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर में मारा जाऊंगा। मौत से घबरा रहे हो तुम? मेरी बात याद रखना, एक ना एक दिन सबको मरना है। मेरी बात गौर से सुनो, 40-45 की उम्र होने तक हम सब मर जाते हैं, लेकिन उसके बाद की जिंदगी पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के नतीजे की वजह से चलती है। प्यार और मोहब्बत के बगैर कोई जी नहीं सकता है। तुम्हें कुछ अच्छा करने का मौका मिला है तो उसे गंवाओ मत। चलिए मार्टिन का फोन बात कर लीजिए। तुम फोन को ट्रैक पे डालो। हाँ मार्टिन बोलो। सर एविडेंस तैयार कर लीजिए, मैं टेलीकास्ट के लिए तैयार हूँ। या थैंक यू मार्टिन। सर कितनी देर में हो जाएंगे? लेट्स होप। हार के आगे जीत खड़ी है, रोक न पाए कोई तुझको, बस तू आगे बढ़ जा।
सीने को फौलाद भरा, दुश्मन के तू होश उड़ा, रोक सके ना कोई तुझको ऐसा तू कुछ करके दिखा। बढ़ते जा आगे आगे, अगर पाना है ये मंजिल को, जो करना है तू करते जा, रोक नहीं तू कदमों को। बढ़ते जा आगे आगे, अगर पाना है तुझे मंजिल को, कर 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 पाना है तुझे मंजिल को। बताइए सर, मुझे क्या करना है? वेरी गुड श्रवण, तुम इस वक्त वटप्पा के फॉरेस्ट रेंज में हो। दीपक की लाश वहीं छोड़ दो, रोड के रास्ते से जाओगे तो वो पकड़ लेंगे। तुम जंगल के रास्ते से जाओ। सर मैं वहीं पर हूँ सर। सुपर्ब, ये लो पकड़ो इसे सर। मार्टिन को दे देना। ओके सर। सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो, ठीक है, किसी सर पर भी शक हो तो अरेस्ट। ठीक है सर। श्रवण मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है सर। कुमार स्वामी, यही है वो कुमार स्वामी। तो फिर एम्बुलेंस चला के कौन ले गया? अरे कुमार स्वामी, उठो कुमार स्वामी। क्या कर रहे हैं आप? वो कोमा में है। क्या गुस्से में है? अरे वो गुस्से में नहीं है, कोमा में है, उठने में 6 महीने लगेंगे। 6 महीना? ठीक है मैं वेट करता हूँ। वेट करेगा? यहाँ कोई मेला चल रहा है कि वेट करेगा? चल बाहर, चल निकल बाहर, मुझे खत्म कर देगा। सुनिए जी, वो लोग चले गए, अच्छा हुआ आपने आंख नहीं खोली। वो चले गए? नाटक क्या कर रहा है हमारे साथ? चलो तेरे जैसे नाटक कर रहा है तू। बाहर बहुत से गुंडे ढूंढ रहे थे इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन वो एम्बुलेंस कौन लेकर गया है मुझे नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जानता हूँ। पता चलेगा तो हम लोगों को फोन करना। क्या तकलीफ है तुझे? जो भी है उसे बता, तेरा हर दुख दूर होगा, रास्ता खुलने में थोड़ा टाइम है। मौला करम कर, हम पे रहम कर, राह दिखा अपने बंदे को। जिस पे कि तूने नजरे करम, उस पे चला नहीं कोई सितम। जिस पे कि तूने नजरे करम, उस पे चला नहीं कोई सितम। आजा मेरे ख्वाजा राह दिखा जा, आजा मेरे ख्वाजा राह दिखा जा। मौला करम कर, हम पे रहम कर, राह दिखा अपने बंदे को। मौला कर दे रहम तेरी नजर करम, मौला कर दे रहम तेरी नजर करम, मौला कर दे रहम तेरी नजर करम, मौला कर दे रहम तेरी नजर करम। बंदे तेरे खुशियाँ सभी, बंदे तेरे दुनिया तेरी, तू नहीं दी जहाँ को खुशियाँ सभी। बिछड़ों को तो मिलाता है तू, रुलाता भी तू है, हंसाता है तू। दर पे तेरे
जो आ गया खाली नहीं तेरे दर से गया। या मौला तू नजरे करम कर अपने बंदे पे तू रहम कर। कर दे रहम कर दे रहम कर दे रहम कर नजरे करम। डैडी श्रवण पापा बोल रहा हूँ, बहुत खुश हूँ आज मैं। आज तक मैं यही सोचता था कि मेरा बेटा ढंग का कोई काम नहीं कर पाएगा, पर आज आज मैं समझ गया हूँ कि तू अच्छा काम ही कर सकता है। एक बाप होने के नाते मैं तुझसे बोल रहा हूँ, तूने बहुत अच्छा काम किया है बेटा, इसे पूरा कर। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, पीछे मत हटना। मौला कर दे रहम तेरी नजर करम। 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 भाई 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 अब प्लीज भाई मुझे भी ले लो ना, मुझे भी आपके साथ आना है। प्लीज भाई मुझे आगे तक छोड़ दो। हाँ मैं आ रहा हूँ, रोक के रखना। आजा, आजा। सर आपने जैसा बोला मैं वैसे ही आ रहा हूँ। भाई इतना चुप चुप बैठा है, कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर है? इसका चेहरा देखकर लग रहा है कि जरूर प्यार का चक्कर होगा भाई। किसी ने परेशान किया तो बोलना, हाथ पैर तोड़ के बोरियों बांध के ट्रक में डाल के उसे जंगल में छोड़ाएंगे। बिंदास बता दे, बिल्कुल मत डर मुझसे, मदद करूंगा तेरी। अब बोल भी बात क्या है? सुनो भाई, अपने भाई है ना रावण की तरह 10 दिमाग रखते हैं, इनसे कोई बात छुपने वाली नहीं है, जो भी होगा सच बता दो। अरे जल्दी बता दे, परमपुर का चेक पोस्ट आने वाला है। बोल दो। हाँ, नहीं हे, थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो। हेलो। क्या रे, तूने पूरा खेल बिगाड़ दिया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तुझे मिनिस्टर बनवाया, अपने 2 नंबर की कमाई से बराबर का हिस्सा दिया, फिर तूने ऐसा क्यों किया? सर वो एक्चुअली सोचा था तू लंबी रेस का घोड़ा निकलेगा। मैंने लास्ट मीटिंग का पूरा वीडियो बनवा के रखा है, उसमें तेरा चेहरा बहुत प्यारा लग रहा है, सोच रहा हूँ उसे वायरल कर दो। सर अगर वो वीडियो अब बाहर आ गया तो मैं बहुत बदनाम हो जाऊंगा। क्यों, अपनी बदनामी का डर लग रहा है तुझे? और तूने जो गंदगी फैलाई है उसका क्या करूं? तो मुझे कैसे भी बचा लो सर, प्लीज। ओ, गंदगी तू करे और साफ मैं करूं। प्लीज सर मुझे बचा लो। ओ, रो मत, तुझसे दोस्ती किया है ना इसलिए इस बार तुझे बचा रहा हूँ। हाँ सर, अब वो अनाथालय पागलखाना और 500 करोड़ भी। सारे हिसाब किताब तुम्हारे पास? हाँ सर। चल ठीक है, नैन्सी को सब बता दिया है, वो सब संभाल लेगी, टेंशन मत ले। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। नैन्सी जरा एक शानदार जाम लाओ ना मेरे लिए। Let's go. भाई ने कहा था ना चेक पोस्ट आ गया। बुक और टोकन लेकर आ जाओ भाई। ए क्लीनर मैं हूँ कि तू है रे, ज्यादा भाव खाने लगा है। भाई और कितनी देर लगेगी? अरे रुकना, इतनी भी क्या जल्दी है, जंगल में अकेले कहीं जाना नहीं, शेर वेर उठा ले जाएंगे। आरसी बुक कहाँ है? ये रहे ना बुक साहब, इंश्योरेंस पेपर दिखा। हेलो, ट्रक में रखे साहब।
श्रवण, आर यू ओके? आर यू ओके? हाँ, ये लो एविडेंस। ये लो, पकड़ो इसे। ओके सर। सारे फुटेज चेक करो। यस सर। खास करके वायरल मीटिंग। यस सर। श्योर। जल्दी से अपलोड करो। श्योर सर। वैसे वीडियो लॉक किए गए होंगे, अगर सब स्विच ऑफ कर देंगे तो ये जल्दी अपलोड हो जाएगा। ओके, सब अपने अपने फोन स्विच ऑफ कर दो, मैं पॉलिटिकल प्रेशर नहीं चाहता हूँ। यस सर। ओके। उसमें दीपक है, मुझे छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ। बाला, दीपक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। गो फास्ट। ओके सर। सुरेश, सर इसको फर्स्ट एड दो। ओके सर। आई जाओ। हेलो श्रवण, क्या भाई इतने दूर तक उठा के ले आया और जाते समय बाय भी नहीं बोल रहा है। मार्टिन, अपलोड हुआ? यस सर। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। नो नो नो, ये दिखाओ, ये दिखाओ। About. I have a good news for you. This time, our business is going worldwide. Oh, really? Great. N number of material will be exported very fresh. And I am sure about it. Oh, really? It means more risk, but more money. Oh, really? Beautiful. Awesome plan, boss. But wo abhi Mumbai mein hai, kal aa jayenge. Yes, sir. Next. Someone is watching. Go! Hey, जाओ जाके देखो। मैं राजीनामा दे रहा हूं। इसकी सारी डिटेल्स एक हार्ड डिस्क में इमीडिएटली कॉपी करो। सच अ बोल्ड जर्नलिस्ट। हमें देश में इसी तरह के जर्नलिस्ट चाहिए जो सच्चाई दिखाए, वो भी अपनी जान पर खेले। वो अभी निकला है, अकेले ही जा रहा है। कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। फिनिशिंग। नैन्सी को बोल दिया, छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। थैंक यू वेरी मच। शिवा, मिनिस्टर का पीए। मार्टिन, गो इनसाइड, गो इनसाइड, गो गो। स्टॉप,
मार्टिन स्टॉप। मिनिस्टर का मामूली पीए होके उसे ही ठिकाने लगा दिया, यही सोच रहा है ना तू? मैं वो कौवा नहीं हूँ जो बिजली के तार में चिपक के मर जाता है, चील हूँ मैं, निशाना लगा के अपने शिकार पे वार करता हूँ। कितना भी ऊपर उड़ ले, लेकिन खाएगा तो मानसी ना, तुझे यही मार कर मैं तुझे पुलिस की पावर बताऊंगा। तेरे जैसा पढ़ाई करके मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। जगह जगह पे चाय का गिलास धो के, टेबल साफ करके, पोस्टर लगा के, नगर सेवक आमदार बन के एक एक कदम आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। चाहे तो कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन मेरी एक बात सुन, 48 लोग, 48 मासूमों की जान ली है तूने, उनका श्राप तुझे जीने नहीं देगा। पागलों को कुछ नहीं पता होता, न अच्छा पता होता है, न बुरा पता होता है, न दिन पता होता है, न रात पता होती है, वह सिर्फ और सिर्फ इस धरती के बोझ है, इसलिए खत्म कर दिया। उनका लीवर किडनी निकाल के मैंने उनका बोझ हल्का कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए रख के इन ऑर्गन्स का वेट कर रहे हैं। पागलों को, गरीबों को मार के उन्हें इस दुनिया से मुक्ति दे रहा हूँ। चाहता हूँ पूरा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाए और तभी ये क्लीन सिटी हेल्दी सिटी कहलाएगा। ये तुझे समझ में नहीं आएगा एसीपी, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, पैसों की बरसात करने वाला बिजनेस। तो इंसान नहीं है, खून पीने वाला एक हैवान है। तारीफ के लिए शुक्रिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाए। अपने आप को बहुत ज्यादा शाना समझता है क्या? मैं भी तुझसे बहुत बड़ा डेढ़ श्याणा हूँ। श्रवण, जस्ट होल्ड ऑन, मैं देख लूंगा सर। सच में हो गया क्लीन सिटी एंड हेल्दी सिटी। इंडिया में हर साल 5 लाख लोग ऑर्गन डोनर्स ना मिलने के कारण मर जाते हैं। डू यू नो समथिंग, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी अगर अपना शरीर दान करता है तो वो 7 लोगों की जान बचा सकता है। मलेशिया, स्पेन जैसे देशों में वहां के काफी लोग अपना शरीर दान करते हैं। एंड सेकंड पॉपुलेटेड देश इंडिया में, क्या आप जानते हैं, बहुत कम लोग अपना शरीर दान करते हैं। इसका कारण क्या है? माइंडसेट।
आसपास में अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो तब तक नहीं सोचते हैं जब तक कि खुद उन पर या उनके परिवार वालों पर कुछ नहीं गुजरता है। हमें इस माइंडसेट को बदलना है, नहीं तो ऑर्गन्स माफिया इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। कोई भी सरकार तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगी जब तक कि जनता साथ नहीं देगी। प्लीज डोनेट ऑर्गन्स। सर, क्राइम रिपोर्टर दीपक के मरने के बाद इस सच्चाई को आप बाहर कैसे ला पाए? वो सच्चाई मैं लेकर नहीं आया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनता के बीच का ही एक साधारण सा आदमी जिसका इस प्रॉब्लम से कुछ भी लेना देना नहीं था, उस अकेले एक इंसान की कोशिश से ये सच्चाई बाहर आ गई। ही इज द हीरो, अ रियल हीरो।